और जिन रिश्तों को इंसान दिल से एक्सेप्ट नहीं करता ना, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। क्या मतलब? ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ना, तो हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें। शर्म, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोहब्बत होती है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में क्या चीज अहम करती है? मोहब्बत। और मेरी जिंदगी में सबसे अहम और कीमती चीज तुम्हारी मोहब्बत। आई लव यू। क्या पहले कभी किसी से मोहब्बत हुई है? दो दफा, लेकिन सनम किसी से वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। अंकल ये सनी है, मेरा बिजनेस पार्टनर। हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या तुम लोगों ने कानूनी मामला तय कर लिए? मेरा मतलब है कि सनी कितने परसेंट का शेयर होल्डर होगा? जी 50%। 50%? 50% इज टू मच। और किसी भी पार्टनर को फर्स्ट गो में 50% का पार्टनर बनाना? एक्सक्यूज मी, हम आपस में डिसाइड कर चुके हैं, प्लीज आप इंटरफेयर मत करें। मिस्टर सनी, मैं खुर्रम का पैट्रोन हूं और खुर्रम मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल एक्चुअली सनी अभी जानता नहीं है इसलिए। खुर्रम, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, बाद में मिलता हूँ, तुम इन्हें डिटेल्स बता देना। ओके पार्ट। क्या हो गया खुर्रम तुम्हें? तुम इस नॉनसेंस के साथ बिजनेस करोगे? मेरे ख्याल में तो इसे बिजनेस का कुछ सेंस ही नहीं है। कल आप नहीं जानते, सनी के फादर बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उन्हीं की सपोर्ट में मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। फिर भी बेटा, सोच समझ कर ये स्टेप उठाना। देखिए अभी सारी इन्वेस्टमेंट सनी की हूँ, मैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। और डॉक्यूमेंटेशन? अंकल सनी मेरा क्लोज फ्रेंड है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है? नो माई डियर, बिजनेस इज बिजनेस। जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझोगे तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। ओके अंकल, आपके एडवाइस के बगैर कुछ नहीं करूंगा। ऑलराइट। बहुत बहुत मुबारक। शहनाज, इनसे मिलो, ये सहरिश की अम्मी है। तो अब ऐसा होता है, इसको देखकर ना मेरे तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। मुझे तो डर है गुस्से के मारे में कुछ करना डाल। क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल करो खुद पे। शुक्र करो भाई की बारह जर्फी को उसे हमने बुला लिया सब कुछ होते थे, वरना तो ना बुलाते तो अच्छा था। और बात तो ठीक है, खामोश चुप करके कहीं कोने में बैठ जाओ।